To e-learning hub. So in this video I will discuss the important net questions on the topic of people and environment. So these questions are from the previous year papers of the UGC net. काफ़ी important questions हैं ये, previous years में question आए थे. तो start करते हैं. First question: The arsenic pollution in groundwater in Bangladesh and parts of India is due to. The options are industrial waste, thermal power plant, natural sources, agriculture practices. So its right answer is the arsenic pollution in groundwater in Bangladesh and parts of India is due to natural sources. Second, as part of intended nationally determined contribution, Indian government through additional forest and tree cover has resolved to create an additional carbon sink in terms of carbon dioxide equivalent by year 2030 to the extent of. Options: 3.5 to 4 billion ton, 2.5 to 3 billion ton, 1.5 to 2 billion ton, 1 to 1.5 billion ton. So its right answer is option B. Next question: Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? Options are untreated sewage, agricultural runoff, unregulated small scale industries, religious practices. The largest source of water pollution. Water pollution का सबसे बड़ा source क्या है in major rivers of India? Its right answer is untreated sewage. Next, sustainable development goals have specific targets to be achieved by. कब तक ये target achieve करने हैं sustainable development goals के? 2022, 2030, 2040, 2050. Its right answer is option B, 2030. Next, identify the air pollutant in urban areas which irritates eyes and also respiratory tract of human beings. कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो जिसके कारण आईज में इरिटेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है ह्यूमन बींग्स के? ऑप्शंस हैं पर्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सरफेस ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार रिपीट हुआ है. इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सरफेस ओजोन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ए नेचुरल हैजर्ड. कौन सा नहीं है नेचुरल हैजर्ड? वाइल्ड फायर, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, केमिकल कंटेमिनेशन. सो विच फिनोमिना इज नॉट ए नेचुरल हैजर्ड? इट्स राइट आंसर इज, बाकी सारे के सारे नेचुरल हैजर्ड हैं ये, केमिकल कंटेमिनेशन इज नॉट ए नेचुरल हैजर्ड. सेवेंथ क्वेश्चन: एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2032. 2030 तक रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी रेज करनी है इंडियन गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी? 175 गीगावाट, 200 गीगावाट, 250 गीगावाट, 350 गीगावाट. इट्स राइट आंसर इज 350 गीगावाट.
as part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2030 to 350 gigawatt. Which of the following pollutant can cause cancer in human? किस पोल्यूटेंट के करके कैंसर होता है? पेस्टिसाइड, मर्करी, लेड, ओजोन. इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेस्टिसाइड. नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पर कैपिटल यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? कौन सी कंट्री में पर कैपिटल यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया. इट्स राइट आंसर इज यूएसए. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस? रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस कौन से? ऑप्शन ए कहता है कि फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर, नेचुरल गैस. ऑप्शन बी कहता है क्लीन एयर, फॉस्फेट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ऑप्शन सी फिशेज, फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर. ऑप्शन डी ऑयल, फॉरेस्ट टाइप. सो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑप्शन ए में फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर एंड नेचुरल गैस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जिसको रीन्यू नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस हैं क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल, सॉल्ट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन वर्स्ट अफेक्टेड बाय अर्बन स्मॉग इन रीसेंट टाइम्स? कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट हुई है बाय स्मॉग, अर्बन स्मॉग? पेरिस, लंदन, लॉस एंजलिस, बीजिंग. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बीजिंग. नेक्स्ट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज रन ऑफ अर्बन एरियाज, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, सीवरेज एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सीवरेज एफ्लुएंट. क्वेश्चन नंबर 14, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ. ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज द शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम इन द एटमोसफियर? कौन सी गैस सबसे कम टाइम के लिए एटमोसफियर में रहती है? ऑल आर द ग्रीन हाउस गैसेज, लेकिन कौन सी गैस शॉर्टेस्ट टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रहती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मीथेन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ डेजर्टिफिकेशन? कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है डेजर्टिफिकेशन का? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका.
तो डिजर्टिफिकेशन का सबसे ज़्यादा रिस्क है अफ्रीका में, ऑप्शन ए। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी अप्रोच है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जिसकी हेल्प से मैन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन अप्रोच, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, रूरल एग्रीकल्चरल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। द राइट आंसर इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन इज दिस वन, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। नेक्स्ट, द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे जो पोल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मेजर सोर्स क्या है इन द अर्बन एरिया, थर्मल पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर। द मोस्ट कॉमन सोर्स, द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरियाज इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट, इन ए फ्यूल सेल ड्रिवन व्हीकल द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी। फ्यूल सेल ड्रिवन व्हीकल द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, बाय द ईयर 2022 द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट इंस्टॉलिंग, ईयर 2022 तक द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट इंस्टॉलिंग, ऑप्शंस हैं 20,000 मेगावाट वाट ऑफ विंड पावर, 25,000 मेगावाट ऑफ विंड पावर, 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, 10,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इट्स राइट आंसर इज, क्वेश्चन है बाय द ईयर 2022 द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट इंस्टॉलिंग, द राइट आंसर इज 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज यूनेस्को रिकॉग्निशन, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन किस बायोस्फीयर रिजर्व को मिली हुई है, मानस, कंचनजंगा, शेषकलाम हिल्स, ग्रेटर निकोबार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ग्रेटर निकोबार। विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पोल्यूशन मोर देन एनी अदर थ्रू आउट वर्ल्ड, किस एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज़ द मैक्सिमम
पर कैपिटल अमीशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा अमीशन किसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, कौन सी कंट्री में? ऑप्शंस हैं चाइना, जापान, USA, इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये फ्रेज किसके लिए बोला जाता है? इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं ट्रेजिक इवन रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस, ट्रेजिक कंडीशंस ऑफ पुअर पीपल, डिग्रेडेशन ऑफ रीन्यूएबल फ्री एसेस रिसोर्सिस, क्लाइमेट चेंज। सो द फ्रेज ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वन, डिग्रेडेशन ऑफ रीन्यूएबल फ्री एसेस रिसोर्सिस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तीन चार बार आ चुका है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डेप्लेशन, हैज़र्डस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर एनर्जी। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये 25 के 25 क्वेश्चंस जो नेट के पेपर 2004 से 2015 तक हुए हैं उनमें से लिए गए हैं, दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं। कोई भी सजेशन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक ना लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।